का क्या मतलब? कर्पण नहीं है वो। अरे अम्मा, इसलिए तो हमसे पूछने आया था वो, फिर हम बता दिए उसको वो जिधर भी गया था। तुमको मालूम है वो किधर गया? हाँ ना अम्मा, हम अपनी आंखों से देखा हूँ। तुम भी हम पे इल्जाम लगाता रहता ना, ये देखो। हमको नहीं लगता कि उसका कोई कसूर है, ये जरूर कोई साजिश है। अरे दिल तो हमारा भी नहीं मानता, लेकिन तो लेकिन क्या? अरे तुम कभी क्यों नहीं गए स्टाफ पर जब नौशीन का जाने का वक्त होता है? ये सारा टाइम का इत्तेफाक पैतल के वक्त ही क्यों होता है? हमने खुद उसका वीडियो देखा है, वो लड़की पीछे उसके बैठ रहा है, बात कर रहा है, तो इसमें साजिश का तो कोई बात नहीं है ना किसी का, उसका मर्जी है उसमें। फिर भी हमारा दिल नहीं मानता है। तो तुमको भी ऐसा लगता है ये सब हमने किया है? नहीं, लेकिन नादिर ने दादा को खुद वो वीडियो दिखाया है उसमें। अरे वो सब झूठे फरेब है, साजिश है हमारे खिलाफ। हाँ, लेकिन साजिश में भी वीडियो तभी बन सकती है जब नौशीन तेरे साथ जाएगी। अरे कैरियत नहीं है, वो लड़की है ना नौशीन, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है आज। अब इतना बड़ा लड़की गुम तो हो नहीं सकता है, समझदार है, पढ़ा लिखा है, जिधर भी गया होगा ना अपनी मर्जी से गया होगा। का मतलब है कि लड़का वड़का से कोई चक्कर है, कोई ठिकाना है उसका। अरे अभी कैसे पता चलेगा किसका साजिश है? हम तो कहते हैं नादिर के पास चलते हैं, उससे पहले वीडियो निकलवाता है। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अरे जाकर दिखाओ उसको, उसको बोलो खुदा के लिए बताए हमारा बहन किधर है, ये लो उसको बोलो जाके। दादा आपने हम पे शक किया, आपको अपने तरबियत पे यकीन नहीं है? औरत का मामला है, इसमें बड़ा बड़ा चूक जाता है, सारा तालीम सारा तरबियत धरा का धरा रह जाता है, शैतान जज्बात पे हमला करता है और जज्बात दिमाग पे हमला करता है। Thank you.
क्या हुआ, कहीं मिला क्या कुछ? अरे नहीं मिले कहीं। तुमने पूरा देखा? सब जगह देख कर आए हम। अरे हम लोगों को भी नहीं मिला यार। वो ऑफिस के बाहर कैमरा लगा हुआ है, वहां जाके देखे क्या? ऐसा कौन इजाजत देता है इस तरह कैमरा देखने को अपना? अरे छोड़ो, हम चल रहे हैं, बात करूंगा, कैसे नहीं इजाजत देंगे? आओ पीछे आओ। भाई इसको थोड़ा जूम करना। हाँ ये वाला, ये वाला लड़की। देखो देखो किधर जा रहे। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, मुश्किल आसान कर दिया। अरे इसका मतलब है कि वो कॉलेज के लिए तो निकला है। कॉलेज के रास्ते में जितना भी कैमरा है हमको सब चेक करना चाहिए। अरे सही बोल रहे तुम लोग, रास्ते में किसी ना किसी से पूछेगा, कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगा। इतना लोग होते हैं वहाँ, ठेले वाला है, सब कुछ है, बोलो कि कोई ना कोई जानकारी है, सुराग जरूर देगा। फैसल ठीक बात बोल रहा है, जल्दी चलो। चलो मैं नहीं, दुनिया का हर बाप ऐसा चाहता कि उसकी बेटी की शादी बहुत अमीर लोगों में हो जाए। हाँ बेटा, देखो पैसों से बहुत सारी आजाइशें खरीदी जा सकती है, और खुशियां वो भी खरीदी जा सकती है। इनकी बहन आपकी बहन की क्लास फेलियर है और वो कल से गायब है। अरे नौशीन भी तो घर नहीं आया कल से, ये हम कैसे मान ले? जैसे इनकी बात मान ली। वो शायद का बहन नहीं है जो डॉक्टर बन रहा है, वो कल से घर से गायब है, पैसल का पीछे बैठ कर गया है। पैसल के पीछे बैठ के? पैसल के पीछे बैठ के वो कहाँ चला गया? लेकिन पैसल तो अपने घर पे था, हमने मोहल्ले में उसको देखा था जाते हुए। बाबा आप कहीं इसलिए तो इस रिश्ते की बात नहीं कर रहे क्योंकि ये लोग बहुत रिच हैं, बिजनेसमैन हैं? सीरियसली बेटा, मैं नहीं, दुनिया का हर बाप ऐसा चाहता कि उसकी बेटी की शादी बहुत अमीर लोगों में हो जाए। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? कहना क्या चाह रही हो? बाबा प्लीज पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ बेटा, देखो पैसों से बहुत सारी आजाइशें खरीदी जा सकती है और खुशियाँ वो भी खरीदी जा सकती है। तो बाबा मुझे आपकी सोच पे कोई एतराज नहीं है, बस मुझे ऐसा लगता है कि खुशियां हासिल करने के लिए उसकी शर्त दौलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितने अमीर अमीर लोग हैं बाबा, बड़े बड़े महलों में रहते हैं लेकिन वो खुश नहीं हैं, और कितने गरीब लोग हैं झोपड़ियों में रहते हैं लेकिन खुश रहते हैं। देखो बेटा, तुम्हें सारी आसाइशें नसीब है ना, इसे तुम्हें ऐसे नहीं लगता। झोपड़ी वाले भी तो महलों के ख्वाब देखते हैं ना, जब उनके ख्वाब पूरे नहीं होते तो वो हालात से समझौता कर लेते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, मतलब मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है, और जब करनी होगी तो उसकी वजह ये नहीं होगी कि वो दौलतमंद है, उसकी वजह ये होनी चाहिए कि हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। देखो बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हें मजीद वक्त चाहिए ना तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और हाँ मेरे पूछने को प्रेशर मत समझना।
काफी। थैंक यू बाबा। अच्छा मैं ड्राइवर को बोलती हूँ गाड़ी निकाले, घर चलते हैं। लेट हो जाएगा। हाँ दे आओ। हेलो नौशीन के भाई बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं। आप कौन? मैं इंस्पेक्टर शरीफ बलोच बात कर रहा हूँ। हम तुम्हारे घर के दरवाजे पर ही खड़े हैं, मगर यहाँ तो ताला लगा हुआ है। कहाँ हो तुम? अरे तुम रुको वहाँ पर, हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आया। ठीक है। क्या हो गया? कौन था? अरे पुलिस वाले का फोन था, हमारे घर पर खड़ा है, शायद नौशीन का कोई खबर मिल गया है। अरे तुमको फौरन जाना चाहिए, बल्कि हम साथ चलता हूँ, चलो। अरे बैठो फैसल। अरे बैठ रहा है, चलो। हूँ शायद नौशीन का भाई। तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो कल पर घर से ही नहीं आया, हम उसी को तो ढूंढ रहे हैं। ये सद्दाम साहब हैं, इनकी बहन आपकी बहन की क्लास फेल्यू है और वो कल से गायब है। हमने उसके फ़ोन का डेटा निकलवाया तो पता चला कि इनकी बहन ने कल सुबह आखिरी फ़ोन आपकी बहन को की थी और वो जब से घर नहीं आई। अरे नौशीन भी तो घर नहीं आया कल से, ये हम कैसे मान लें? जैसे इनकी बात मान ली, इन्होंने तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो हम भी चलो, अभी रिपोर्ट कराते हैं थाने में दर्ज, चलो। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? हम आपका बात का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हमारा सीधा बात समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इन्होंने डेटा निकलवाया है ना, ऐसी अगर हम भी डेटा निकलवाएंगे तो उसमें भी वही चीज आएगी कि उसने भी आखिरी कॉल इन्हीं को की थी। फिर क्या हम भी जाए इनके घर पुलिस लेकर? देखें देखें, आप नाराज ना हो, बात समझने की कोशिश करें। जिस तरह आप लोग अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं, इस तरह मैं भी अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। यहाँ आने का मकसद सिर्फ आपसे पूछना था। तो ऐसे बोलो ना भाई, पूछने में और मुलब्बिस करने में फर्क होता है। अब आप ही बताओ हम क्या करें? हमने सारा सीसीटीवी फुटेज निकाला, वो कॉलेज के लिए रवाना तो हुआ था लेकिन वापस घर नहीं आया। मतलब रास्ते में कहीं उतर गई। अरे वो कहाँ उतरा, क्यों उतरा, यही सब पता करने के लिए तो उसको ढूंढ रहे हैं हम। घर पर तो सब सही चल रहा है ना? हाँ घर में तो हम सिर्फ दो बहन भाई है, हमारा तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, वो हमसे कुछ नहीं छुपाता। कॉलेज से पता किया आपने? वो तो हमने भी पता किया है। अरे वो तो कॉलेज पहुंचा ही नहीं है। हाँ बिल्कुल यही पता पड़ा है। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ है रास्ते में ही हुआ है। एक काम करें शाह साहब, आप अपना नंबर मुझे दे दें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले मैं आपसे शेयर करूं, आप मुझसे शेयर कर लें। आप लिखो मेरा नंबर। मैंने सेव कर लिया, मैं आपको भी बेल दे देता हूं ताकि आप भी सेव कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है, थाने आ जाना रिपोर्ट दर्ज करवाने, चलो। अरे आता हूँ आता हूँ। अरे थोड़ा सब्र करो, अभी आने में भी टाइम लगता है। कितना देर करता है अम्मा, तुमको जल्दी पड़े। अरे लड़की का पता चला कुछ? कौन सा लड़की अम्मा? वो शाहिद का बहन नहीं है? हमको क्या पता अम्मा, हम तो स्कूल से डायरेक्ट इधर आया हूँ, चाचा जब्बार भी स्कूल नहीं आया था। हाँ तो वो कैसे स्कूल आएगा, वो तो दुख में होएगा ना, उसका पोता नहीं है पैसल, उस पर इल्जाम आया है। अम्मा खुल के बताओ हुआ क्या है? वो शाहिद का बहन नहीं है जो डॉक्टर बन रहा है, वो कल से घर से गायब है,
पैसल का पीछे बैठ कर गया है। पैसल के पीछे बैठ के? पैसल के पीछे बैठ के वो कहाँ चला गया? लेकिन पैसल तो अपने घर पे था, हमने मोहल्ले में उसको देखा था जाते हुए। अरे लड़की को कहीं और बिठा कर आया होगा चकमा देने के लिए। अम्मा हमको नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा, पूरा लियारी उनकी दोस्ती का मिसाले देता है। तुमको क्या लगता है वो अपनी दोस्त की बहन को अगवा करेगा? अगवा क्यों करेगा, वो अपना मर्जी से गया है। तुमको नहीं मालूम आजकल का चौकरी लोग क्या क्या कर रहा है? ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में ऐसा ऐसा खेल खेलता है कि तुम्हारा आके पट के ऐसा हो जाएगा। हमने खुद वीडियो देखा है, नादिर आवे तो तुम भी देखना रात को। वीडियो? नादिर भाई के पास वीडियो कहाँ से आया? ये तो हम नहीं पूछा। हमको लगता है कि नादिर भाई को पता है कि वो लड़की नौशीन है कहाँ। उसको कैसे पता होएगा? जैसे उसके पास वीडियो आया है। अभी तुम चुप करो, भाई को नहीं पसवा देना। और देखो अगर उसको पता भी होएगा ना तो अभी क्या, वो तो गया। इल्जाम तो पैसल पर आएगा ना, हमारा बच्चा का कुछ नहीं होएगा अब। अम्मा तुम कुछ भी बोलो लेकिन हमको तो ये गड़बड़ वाला बात लगता है। हम तुमको देगा एक थप्पड़, हम पहले ही अपना बच्चा के पीछे पड़ा रहता है, बात का इल्जाम उस पर डालता है। हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम काम होश रहना, कोई बात नहीं करना, समझा? हमको लगता है जो कुछ भी हुआ है उस लड़की की वजह से हुआ है, हमको उसका डेटा निकलवाना चाहिए। क्या पता इससे नौशीन का भी पता लग जाए। हमको लगता है कि शायद कोई हमको प्रेशराइज करने का कोशिश कर रहा है। अली भाई हम एक मुश्किल में फंस गया है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम नहीं आ सकता है। देख फैसल, तुम अच्छा खिलाड़ी है इसीलिए हम चाहते हैं तुम खेले, लेकिन तुम जानते हैं कितने लड़के लोग लाइन में खड़े। शाबू बहुत बड़ा गलती हो गया यार, बहुत बड़ा। अरे शाबू हम बहुत परेशान हैं रे। अरे उस्ताद इसका मतलब है कि जो होना था हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अरे हम तो समझा था कि पुलिस नौशीन के बारे में बताने आया है। अरे हम भी यही समझा था, लेकिन उसका बात सुनकर हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। हम नौशीन का कसम खा सकते हैं वो कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो जो कुछ करता है हमको बताता है, कुछ नहीं छुपाता हमसे, फिर भी इस तरह हो गया। देखो हमको लगता है जो कुछ भी हुआ है उस लड़की की वजह से हुआ है, हमको उसका डेटा निकलवाना चाहिए। क्या पता इससे नौशीन का भी पता लग जाए। हमको लगता है कि शायद कोई हमको प्रेशराइज करने का कोशिश कर रहा है। हमको लगता है हम लोग काम अधूरा छोड़ के आए। चलो चल के सारे स्टॉप पे चल के देखते हैं, हो सकता है कोई सुराग मिले। हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है, जब सदाम साहब ने उसका डेटा निकलवा लिया है तो उसका लोकेशन क्यों नहीं ट्रेस करवाया है? अरे करवाया होगा पर उसको कुछ मिला मिला नहीं होगा, तभी तो वो इधर आया था। पर हमको भी करवाना चाहिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ चलो ये दोनों काम साथ ही करके आते हैं। फोन आ रहा है जी। अली भाई। अरे फैसल तू किधर है, क्लब क्यों नहीं आया, कल तेरा मैच है। अली भाई हम नहीं आ सकते आज, अब मैच कैंसिल कर दो। ये तुम क्या कह रहा है, हमको तो कानों पर यकीन नहीं हो रहा, ये तुम कह रहे हो। अली भाई हम एक मुश्किल में फंस गया है, जब तक ये मसला हल नहीं होगा हम नहीं आ सकता है। देख फैसल तुम अच्छा खिलाड़ी है इसीलिए हम चाहते हैं तुम खेले, लेकिन तुम जानते हैं कितने लड़के लोग लाइन में खड़े। तो अली भाई हम नहीं आ सकता, आप देख लो।
अरे तुम किस तरह से बात कर रहे हो, वो तुम्हारा ट्रेनर है। तू हमको अभी बुला रहा है? हाँ तो जाओ तुम, हम दोनों है, हम देख लेगा, तुम्हारी जरूरत पड़ा तो बुला लेगा तुम्हें, अभी तुम जाओ। नहीं हम साथ जाएगा तुम लोगों के उसको ढूंढने। अरे पैसल तलावर सही बोल रहा है, तुम क्लब जाओ, तुम्हारा जरूरत होगा तो हम तुमको बुला लेगा। ऐसा कैसे यार, नौशीन गायब है। अरे तुम जाओ ना, हम बुला लेगा तुमको अगर तुम्हारा जरूरत हुआ तो। ठीक है फिर तुम लोग देख लो, हाँ ढूंढ लो उसको। समझ में आया ना, 5 पुशअप डायमंड वाले, 5 बर्पीज और 5 जंपिंग जैक, नो ब्रेक। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। हमको पूरा यकीन था कि तुम आएगा, कल मैच है ना, इस वक्त तो रिंग में होना चाहिए था, जीतना है ना। इस बार तुम खुद आ रहा हूं अंदर से। खिलाड़ी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये खिलाड़ी नहीं बोल रहा है, हमारा अंदर का पैसल बोल रहा है। खिलाड़ी भी तेरे अंदर का ही होगा ना। अब जा जा, जल्दी जाकर चेंज करके आ जा। शाबाश। अरे जंपिंग जैक किए थे, फिर दोबारा रिपीट। अरे शाबू, उसका मिलना बहुत जरूरी है। अरे उस्ताद, मिलेगा मिलेगा, इधर ही कहीं होगा, किधर जाएगा वो। अरे एक चल उस्ताद, ऊपर देख, इधर ही होएगा। अरे उस्ताद देख तो सही, उसको अभी बताते हैं। शाबू यार क्या करेगा? अरे उस्ताद कुछ तो हम अपना ठिकाना थोड़ा ही बताएगा। शाबू बहुत बड़ा गलत ही हो गया यार, बहुत बड़ा। अरे शाबू हम बहुत परेशान हैं रे। अरे उस्ताद इसका मतलब है कि जो होना था हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। अरे नहीं शाबू, हमको किसी तरह भी रुस्तम चाहिए बस। अरे उस्ताद टेंशन मत ले, डॉक्टर ने कौन सा हमको पहले घास डाला है। शाबू रात बहुत हो गया, कल सुबह देखेंगे। चलो उस्ताद। अरे उस्ताद कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ इस बात को। क्या हुआ? अरे हम है ना, हमने उसके भाई के दिल में शक डाल दिया है। अरे लड़ता फिरेगा आपस में अब। अरे कैसे लड़ेगा? अरे उसका वीडियो तो हमने बनाया है ना, और फिर उसके भाई को भेजा है, सीधा शाह काम पे जाएगा। हाँ वही वीडियो देख के उसका शक फैसल पे जाएगा, तुम पे नहीं। नहीं शाबू बहुत गड़बड़ हो गया। अरे उस्ताद इस बात को इतना अपने सर पे सवार मत करो, ज्यादा से ज्यादा झेल जाएगा ना, कुछ दिन काट के आ जाइयो। अरे हम है ना, हम अपने सर ले लेगा सब कुछ। नहीं हमको रुस्तम चाहिए बस।
नादिर भाई, ये वीडियो तेरे पास कहाँ से आया? कहीं से मिला हमको। कहीं से मिला है या तूने खुद बनाया है? अरे इसे तुमको क्या है? नादिर भाई, हमको सच बताओ। अरे तुमको क्या मतलब है इससे? मतलब है ना, हमको बताओ नौशीन है कहाँ? ऐसे अल्लाह ना करे, लेकिन कोई आशा भी तो हो सकता है। अरे अल्लाह ना करे, लेकिन कोई इत्तला तो दे। सिर्फ अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और हमारा तो इस बात पे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मगर फिर भी हमको इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अरे अम्मा, तुमको बताया तो था, शाहिद का बहन खो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। अरे तुमने ठेका लिया हुआ है शाहिद की बहन का ढूंढने का कि तुम ही ढूंढेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो सर जो है दीवार से मारेगा। अम्मा कैसा बात करता है, तुम ऐसे मुश्किल वक्त में छोड़ देवे क्या उसको? नादिर भाई, हमको वीडियो तो दिखाओ जिसमें नौशीन फैसल के साथ गया है। कौन सा वीडियो? तुमको किसने बोला? तुम इतना घबरा क्यों रहा है? हमको तो अम्मा ने बताया है। अम्मा ने बोला? ऐसे ही देखो बस। नादिर भाई, ये वीडियो तेरे पास कहां से आया? नादिर भाई से सवाल? तू तो हमारा भाई है ना, तेरे से तो हम पूछ सकती हूँ ना। कहीं से मिला हमको? कहीं से मिला है या तूने खुद बनाया है? अरे इसे तुमको क्या है? नादिर भाई, हमको सच बताओ। अरे तुमको क्या मतलब है इससे? मतलब है ना, हमको बताओ नौशीन है कहाँ? हमको नहीं पता। ठीक है, फिर हमारा सर पे हाथ रखो और कसम खाओ, खाओ हमारा कसम कि हम मर जाए, हमको मौत आए अगर तेरे को पता नहीं है कि वो लड़की नौशीन है कहाँ। अरे क्या बोल रहे तुम, दिमाग ठीक है तुम लोग का? काम का कसम ले रहा है? अरे हमको क्या लेना देना उसका बहन से? लेना देना क्यों नहीं है? वो तेरे को अच्छा नहीं लगता? तू उससे शादी नहीं करना चाहता था? अरे ये क्या हो गया तुमको? अगर हम उसको पसंद करता था तो क्या अगवा कर लेगा? हम तो तुम्हारा सामने कब से घर में है। नादिर भाई, हमको तेरा लहजा से लगता है कि तेरे को पता है कि वो लड़की नौशीन है कहाँ। अरे हम लोग का कोपड़ी मत घुमा, हम तुमको स्कूल जाने देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नादिर भाई से सवाल जवाब करेगा। अभी जाओ यहां से, हमको नींद आ रहा है, अभी जाओ हमको सोने दो, जाओ। भाई, अरे होटल बंद करने का टाइम हो गया है, जल्दी करो। हाँ फरुख भाई, जा रहे हैं बस, थोड़ी देर में निकलेंगे। अरे नौशीन का पता ही नहीं चल रहा किधर गया यार, सारा बस स्टॉप देख लिया, टेला देख लिया, सबसे पूछ लिया, किधर गया? ऐसे अल्लाह ना करे, लेकिन कोई आशा भी तो हो सकता है। अरे अल्लाह ना करे, लेकिन कोई इत्तला तो दे। शायद ठीक कह रहे हैं, वैसे अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और हमारा तो इस बात पे यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मगर फिर भी हमको इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अरे तो फिर क्या करें, थाने पे रिपोर्ट करवाए? हमको अस्पताल जाना चाहिए, हम एक काम करते हैं, कल ही चलते हैं अस्पताल। अरे कल तो तुम्हारा मैच है ना। तुमको लगता है, तुमको वाकई लगता है कि नौशीन इतना मुश्किल में फंसा और अपने मैच के लिए जाएंगे? क्या हो गया तुमको, शायद जाओ इधर से। अरे हमको मालूम है कि तू हमारे साथ है, लेकिन तेरे लिए कल मैच भी तो अहम है ना, और शाम को तो तू फ्री हो जाएगा ना, फिर आ जाना हमारे साथ। यार शायद बिल्कुल ठीक कह रहा है, वैसे भी एक दिन की तो बात है,
तुमको क्लब को टाइम देना चाहिए। जिंदगी में आसार तो कदम कदम पे होते हैं, जिंदगी को रुकना नहीं चाहिए क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता और ना ही लोग इंतजार करते हैं। अरे शायद भाई, अरे जल्दी करो यार, होटल बंद करने का टाइम हो गया है। हाँ बस उठ रहा है यार, चलो यार चलते हैं, आ जाओ। आज फिर लेट आए। अरे अम्मा, तुमको बताया तो था, शाहिद का बहन खो गया है, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। अरे तुमने ठेका लिया हुआ है शाहिद की बहन का ढूंढने का कि तुम ही ढूंढेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो सर जो है दीवार से मारेगा। अम्मा कैसा बात करता है, तुम ऐसे मुश्किल वक्त में छोड़ देवे क्या उसको? दोस्त है तो हमदर्दी एक दिन की काफी है, तू तो 3 दिन से काम पे नहीं जा रहा है। अरे अम्मा, हम तो शाहिद के साथ काम पे जाता हूँ, वो नहीं जाएगा तो हम किधर जाएगा? अपने बाप के साथ जा सकता था ना, तो सुबह उनके साथ जाएगा तू? हमें समझने का कोशिश करो, मुश्किल वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है, ये काम पैसा ही तो सब चलता रहता है अम्मा। और एक और बात बता देवे, ये जो दोस्ती है ना, ये भी बहुत बड़ा असासा है। हमको तुम्हारी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे अम्मा तो तुम छोड़ो ना, गाना दो हमको। वो समझ गया नहीं कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। अरे साला, कहीं से पुलिस वाले ने हमको देख लिया, मैं वहां से जल्दी से भागा। मैंने कहा लड़की को पकड़ कर गाड़ी में डालूं और निकल जाऊं। भाग गया? भाग कैसे सकता है, उसके मैं भागने दूं तब ना। अरे रुस्तम क्यों पका रहा है? अरे तेरा ये फिल्म का स्टोरी सुन के ना हमारा दिमाग पक्के है। क्या हुआ फिर, वो सद्दाम भाई का कॉल आया? अरे नहीं यार, फैसल ने उसको सही टाइट कर दिया था, वरना वो तो हमारे सर पे चढ़ा जाता कि जैसे हमने उसकी बहन को अगवा किया है। हाँ पर उन दोनों का एक ही दिन पे गायब होना, ऐसा लगता है कोई ताल्लुक वास्ता है। घर में पड़ी रे बोर होती रहती है, एटलीस्ट बिजी तो हो जाएगी ना। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वाइफ इनाया और ये मेरी बेटी उरूज। किसी ने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मर गया वो? मर गया? अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे ये जरूरी थोड़ी है कि ये सच हो। गए तो मैं काम कर, तुम वो अस्पताल में जाके देखो दोनों जगह पे। अरे कौन सा दोनों जगह? अरे एक तो वहां जहाँ अस्पताल में सबको रखता है ना, मरीज लोगों को, वो जहां बाद में रखता है ठंडा कमरा में। क्या हुआ? अरे इस नादिर से ना हमको दो दो हाथ करना पड़ेगा। अरे फिर कोई मसला हुआ है क्या? अरे पहले उसने हमारा लड़ाई करवाने के लिए हमारा वीडियो बनाया और फिर अगले दिन नौशीन गायब हो गया, फिर उसने वो वीडियो शाहिद को भेजा इतने दिन बाद, और फिर आज उसने शाहिद को फोन किया कि नौशीन का एक्सीडेंट हो गया और शायद वो मर गया है।
एक्सक्यूज मी, कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, लियारी से किवाड़ी, लियारी से किवाड़ी, दुनिया से घबराना क्या, खतरे को